वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो 91st अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार 2026 से पहले नेशनल लेवल पर डीलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जिस महिला आरक्षण बिल का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका जल्द से जल्द इंप्लीमेंटेशन अगर होगा तो 2027 या 2028 में होगा, ये 2024 में होने वाला नहीं है। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि ये जो बिल संसद में पेश किया जा रहा है इस बिल में संशोधन किया जाए, डीलिमिटेशन का सेंसस का इंतजार ना किया जाए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि महिलाओं का आरक्षण 2024 के ही चुनाव से किया जाए।